फिल्म के गाने पर मस्ती में झूमते लोग और हाथों में शराब की बोतलें। शराब की ऐसी बारिश आपने कभी नहीं देखी होगी। वाकई ये तस्वीरें हैरान करने वाली। देखिए कैसे कुछ लोग शाम को रंगीन बनाने के लिए हाथों में महंगी शराब की बोतलें लेकर ठुमके लगा रहे हैं, एक दूसरे को शराब से नहला रहे हैं, शराब से तर बतर होकर वाइन डांस कर रहे हैं। ये तस्वीरें उस सूबे की हैं जहां शराबबंदी 60 साल से ज्यादा वक्त से लागू है, लेकिन यहां किस धड़ल्ले से शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही हैं वो आपके सामने है। ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ की बताई जा रही हैं, जहां मुंद्रा तालुका में एक शादी समारोह में जमकर शराब बहाई गई। मेहमानों ने न सिर्फ टल्ली होकर डांस किया बल्कि एक दूसरे पर शराब पानी की तरह बहा डाली। जिस तरह से शराब बहाई गई और लोगों को शराब से नहलाया गया, ऐसा लग रहा था कि टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी तो और स्टॉक जमा है, जितना चाहो जाम से जाम टकराओ। एक दूसरे को शराब से नहलाओ। हैरान करने वाली बात यह है कि इस महफिल में नेता भी शराब पीकर झूमते नजर आए। हालांकि ये कोई पहली तस्वीर नहीं जब गुजरात में शराबबंदी के बावजूद इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। आपको बता दें, जिस गुजरात मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, जिस गुजरात की कानून व्यवस्था का डंका पूरे देश में पीटा जाता है, वहां ऐसी तस्वीरें गुजरात को शर्मिंदा करती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में 1958 से शराबबंदी है। जब से गुजरात महाराष्ट्र से अलग राज्य बना, तब से शराबबंदी गुजरात में लागू है। गुजरात में शराब का सेवन करने पर 1 से 3 साल तक की सजा, 1 लाख जुर्माना होता है। वैसे गुजरात में विशेष इजाजत के बाद परमिट मिलता है और वो तभी शराब खरीद कर पी सकते हैं, जैसे बीमार लोगों को डॉक्टर या मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद ही शराब खरीदने का परमिट मिलता है। इसके अलावा गुजरात में घूमने आए लोगों को विजिटर परमिट मिलता है, तभी वो शराब ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इनमें से ऐसी कोई वजह नहीं दिखाई दी। तो क्या गुजरात में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर ही है? हकीकत कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिजिटल वर्ल्ड में नई क्रांति, खबरों की दुनिया में धमाका, सबसे पहले सबसे सटीक, बस एक क्लिक खुल जाएगी पूरी दुनिया। www.zhindustan.in